ताकि मुझे बार बार पैसे खर्च करने ना करने पड़े। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे एक करनी व्लॉग में। हमारा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्यारा सा व्लॉग। फ्रिज देखो खराब है, पुलिस वाला। हेलो दोस्तों नमस्कार, हमने लिया था एक फ्रिज, सेकंड हैंड फ्रिज, और उसको 2000 रुपये में ख़रीदा था हमने, और अब तक मैं उसमें 2000 रुपये लगा चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुरानी चीज़ कभी ना लें। पुरानी चीज़ लेने का मतलब है जितनी की लोगे उससे ज़्यादा पैसे आपको लगाने पड़ जाएंगे। 2000 रुपये लगाने के बाद अब इस फ्रिज की फिर से गैस खत्म हो चुकी है। ये देखिए हमारे मिस्त्री भाई लगे हुए हैं, इस फ्रिज की गैस ख़त्म हो चुकी है, अब गैस डलवा रहे हैं। गैस का खर्चा आया है कोई 1200 रुपये, उसमें और भी कोई और भी सामान उसमें डलना है, अभी उन सब का मिला के भाई ने बताया है 1200 रुपये खर्च इसका। आइए मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ हमारे मिस्त्री जी कैसे काम करते हैं। हमारे फ्रिज में से निकल रहा है ऑयल, ये देखिए हाथ दिखा रहे हैं मिस्त्री जी, ये ऑयल बन जाता है इसके अंदर ऑटोमेटिक। पहले ये कंप्रेसर चेक करूँगा मैं, कंप्रेसर पर डाउट है ना, क्योंकि 20-25 साल हो गए फ्रिज आ गया। कहे ना कुछ मतलब ना, नहीं देखना कंप्रेसर खत्म आ गई है। हाँ ये कंप्रेसर डाउन हो रखा है, मतलब फ्रिज खत्म, फ्रिज का कंप्रेसर खत्म था, फ्रिज तब ना भी खत्म है। अब आदमी कितनी तगड़ा हुआ, कितनी खत्म होगी तो खत्म ही खत्म है ये। ये ना तो बर्फ जमा है ना, पानी ठंडा करा लो तेरे यहाँ के लिए, अगले यहाँ देख लो तोड़ गया। हाँ देख रहे तुम, बस अब तसल्ली पूरी है तुम, बस नहीं तो नया फ्रिज फिर वैसे देखना पड़ेगा, मिल जाता है उन पर किस तन पर बहुत ज़्यादा बढ़िया। हाँ नए कहाँ तो लाएंगे इतने, 14-15 हज़ार रुपया भाई मतलब हो जाएगा, 14 मतलब 12 ही लगा देगा, किस्त पैसे होगा दो तो 4-5 हज़ार रुपये कहते हैं। हाँ आधे पैसे देने पड़ेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये देगा ना। हाँ 1000 रुपये बन जाएंगे, 1000 रुपये की 1200-1500 जैसे तुम बनवाना चाहो वैसे बन जाएगी, देख लो। ये तो जब तो कंपनी को ऐसा हो 20-25 साल बहुत हो जाए चीज चलने रही भी क्या। जब भाइयों फाइनली हमारा फ्रिज हो चुका है खत्म, अभी ये कबाड़ी में जाएगा ये, और कंप्रेसर इसमें नया डलवाता हूँ तो इसमें खर्चा आएगा 4000 रुपये का। बार बार कहता हूँ इसलिए पुराना चीज मत लो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पुराना मत लेना, मैं लेकर पछता रहा हूँ। अब मेरे पास खर्चा आ चुका है 14000 रुपये, अब एक गरीब आदमी लो क्लास फैमिली 14-15 हज़ार रुपये कहाँ से लाए नया फ्रिज लेने के लिए। अब हमें नया फ्रिज लेना है तो 1 साल तक वेट करना होगा, जब पैसे को लोगे हम तभी फ्रिज ले सकते हैं। इतने 15000 रुपये पड़ लेगा।
मैं महीने में 14-15 हज़ार रुपये कमाता हूँ और उसमें पूरी तनख्वाह भी फ्रिज में जाने वाली है। मेरे घर वाले अत्याचार करती हूँ। तो बस ये इसी ब्लॉग में मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी पुराना फ्रिज पुरानी आइटम ना ले, नया ले तो वो अच्छा है। तो ऐसे ही हम आपको मिलेंगे और एक नेक्स्ट ब्लॉग में जो इससे भी अच्छा होगा। और जो हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारा फ्रिज डेड हो गया। तो दोस्तों हमारा ये फाइनली फ्रिज डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये मैंने सेकंड हैंड लिया था ये। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि मैं किस कंपनी का फ्रिज लूँ और कौन सा फ्रिज लूँ, ताकि मुझे बार बार पैसे खर्च ना करने पड़े और मेरा नुकसान भी ना हो। क्योंकि गरीब आदमी की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उस पर लेना बहुत ही भारी पड़ जाती है, पैसे भी ख़राब, टाइम भी वेस्ट। कृपया करें कमेंट करें कि मैं किस कंपनी का फ्रिज लूँ।